व्हाट्स अप गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड। तो आज काफ़ी इवेंटफुल दिन है हमारा। हम सुबह गए थे फॉर आर ड्राइविंग क्लास, जहाँ पे इंस्ट्रक्टर आधा घंटा लेट आया था, उसके वजह से थोड़ा सा लेट हो गया, बट नॉट टू वरी। आज हमको कॉलेज पढ़ने नहीं जाना, बट हमारे ट्रेडिशनल डे है आज कॉलेज में, तो सज धज के जाएंगे, मस्त मज़ा करेंगे। बट उसके पहले वी हैव टू गो हिट अ नाइस लिटिल बैक वर्कआउट, विड्थ फोकस्ड बैक वर्कआउट, मतलब लैट फोकस्ड। तो अभी मैं प्री वर्कआउट के लिए केले ले आया हूँ दो, एंड हम एक रोटी में पीनट बटर लगा के वो खाएंगे, एक केला खाएंगे एंड वन स्कूप ऑफ प्री वर्कआउट, एंड देन वील हेड टू द जिम। तो लेट्स गो। ओके, आज एक विड्थ फोकस्ड बैक डे है, एंड वी गोना स्टार्ट ऑफ विद लैट पुल डाउन्स, 3 सेट्स, 10 to 12 रेप्स, एंड हम लास्ट सेट में इंटेंसिटी टेक्निक यूज़ करेंगे, विच इज़ बेसिकली लॉन्ग लेंथ पार्शियल्स। दिखा देंगे जब लास्ट सेट आएगा, दिस गोना बी द फर्स्ट सेट, और उसमें हम हार्ड जाने वाले हैं। लास्ट टाइम आई गॉट 8 reps, सो टुडे आज का गोल है कि ये सेट पे 9 rep निकालेंगे। तो लेट्स गो। As a star among the midnight sky, all the pressure blinded me, but now I see I'm not different from the rest. You said I'd fly away, but my walls have kept me down. Now I'm lost and I'm afraid, and I'm close to hit the ground. You said I'd fly away. ओके, दैट वाज 9 reps, नॉट बैड। थोड़ा सा वेट ड्रॉप करके अब 2 सेट और लगाएंगे, तो लेट्स गो। ओके, 2 सेट हो गए हैं। फर्स्ट सेट में वी गॉट 75 के साथ 9 reps, देन सेकंड में 68 के साथ 9 reps, एंड हमने ड्रॉप कर दिया वेट, बिकॉज ये वाला सेट हमको काफ़ी हार्ड पुश करना है, एंड एट द एंड ऑफ इट वी वांट टू डू लाइक सम लॉन्ग लेंथ पार्शियल्स टू। तो लेट्स गो। Choices I make, maybe then I'll understand. You said I'd fly away, but my walls have kept me down. Now I'm lost and I'm afraid, and I'm close to hit the ground. You said I'd fly away. Okay, done with lat pull downs. Ab jaake snatch grip RDLs karte hain. Let's go. स्नैच ग्रिप RDLs, ये करने का पूरा पॉइंट क्या है ये मैं हर बार बताता हूँ, बिकॉज लोग बोलते हैं कि भाई आज बैक मार रहे हो कि हैमस्ट्रिंग मार रहे हो। इफ़ आई वॉज डूइंग अ रेगुलर RDL, देन हाँ मेरे हैमस्ट्रिंग्स प्योर एक्टिवेट होते हैं, बट स्नैच ग्रिप में मिड बैक और ट्रैप रीजन जो होता है ना, वो बहुत ज़्यादा हाईली एक्टिवेट होता है। एंड ये मुझे पता कैसे चला, पता है, यू वॉन्ट बी एबल टू फील इट जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो। कल सुबह जब उठोगे ना, तब जो मिड बैक और ट्रैप्स और होगा ना, तो पता चलेगा। एंड ऑल्सो लिटिल बिट ऑफ हैमस्ट्रिंग टू ऑब्वियसली, क्योंकि हम RDL कर रहे हैं। एंड हाँ, पोस्टीरियर चेन डेवलप करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड ये पूरा स्प्लिट का प्रोग्राम, लाइक जो प्रोग्राम है उसका पूरा फोकस यही है वीक पॉइंट्स पे। तो मेरे, जैसे मैंने बोला है, क्वाड्स आर वेल डेवलप्ड बट हैमस्ट्रिंग्स आर लैकिंग, तो यहाँ पे थोड़ा सा उसका भी वॉल्यूम आ जाता है। We'll be right back.
अब माइंड मसल कनेक्शन इतना अच्छा हो गया कि उनको ट्रैप्स में भी फील होने लग गया ये मूवमेंट। तो यार यहाँ पे 2 सेट 8 रैप्स के लिए, एंड देन यू हैव टू गो डू सम चेस्ट सपोर्टेड मशीन रोस। लेट्स गो। ओके, टाइम फॉर चेस्ट सपोर्टेड मशीन रो। ये भी हमारे लैट्स के लिए करने वाले। आज मोस्ट ऑफ द मूवमेंट्स आर गोना बी लैट फोकस्ड, क्योंकि मैंने जैसे बोला था वर्कआउट के स्टार्ट में, आज एक लैट विड्थ फोकस्ड पुल डे है। लास्ट टाइम 61 kg से आपको 10 रैप आए थे, ऐसा मैंने लिखा है मेरे बुक में। लेट्स होप यू कैन पुश फॉर 1 मोर टुडे एटलीस्ट। तो हाँ, चलते हैं। दैट डेफिनेटली वॉज़न्ट 11 रैप्स। मैंने पता नहीं कैसे वो लिखा है अपने बुक्स में, मे बी मैंने कुछ अलग फॉर्म यूज़ किया था, बट आई डोंट नो। थक गया, थोड़ा वेट ड्रॉप करते हैं एंड देन वील ट्राई टू गेट सम मोर क्वालिटी रैप्स। आई थिंक फाइनल सेट हियर, लेट्स गो। नॉट बैड, एंड में हमने लॉन्ग लेंथ पार्शियल्स किए एंड वी डन ओवर हियर। अब फाइनल लैट का मूवमेंट बचा है, दैट्स गोना बी लैट पुल ओवर्स, वो करते हैं। उसके बाद हैमर कर्ल्स एंड देन फेस पुल्स, फिर हमारा हो गया आज का दिन का। तो लेट्स गो डू सम लैट पुल ओवर्स। लैट पुल ओवर्स 3 sets 12-15 reps। 2 set ऑलरेडी हो चुके हैं एंड इसका जो फाइनल सेट, आई एम गोना पुश टिल फेलियर ऑन दिस। और ये सेट में अभी हम एक इंटेंसिटी टेक्निक यूज़ करेंगे, इसको ना भी लॉन्ग लेंथ पार्शियल्स। तो एक पॉइंट के बाद जब लाइक और रेप्स नहीं हो पाएंगे, कंप्लीट रेप्स, देन वी स्टार्ट डूइंग पार्शियल्स इन द लेंथ एंड पोजिशन ऑफ द मूवमेंट। ठीक है, देखे ना, समझ में आ जाएगा, इट्स वेरी सिंपल।
प्रीटी मच डन विथ बैक, अभी हैमर कर्ल्स करते हैं 3 सेट 8 to 10 reps और फिर फेस पुल्स एंड देन वी डन फॉर द डे। ओके, हैमर कर्ल्स 3 सेट्स 8 to 10 reps, मेरे को यहाँ पे एक्सपोजर थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, वेट से। ओके, 3 सेट्स 10 to 12 reps, सॉरी गाइस, और हम 2 सेट कर चुके हैं टुडे। मेरा गोल था 10 kg के डंबल्स के साथ 10 reps से ज़्यादा लाना, सो फॉर अ फर्स्ट सेट वी गॉट 11 reps, दूसरे सेट में 10 reps आए, वापस 10 kg की डंबल ले रहा हूँ क्योंकि मैंने बात करने में बहुत टाइम स्पेंड किया अभी, तो वापस से वे एम फॉर 10 reps, स्लो एंड कंट्रोल्ड क्वालिटी रेप्स, ब्यूटिफुल, लेट्स गो। I think that was 10. Flies. Redhead flies karte and then we're done for the day. Okay. Final movement is redhead flies. मैं पहले face pulls करने वाला था but I realized कि मुझे face pulls से बिल्कुल अपने redheads feel नहीं होते. And I'm gonna choose some movement जिसमें मुझे actually मेरा muscle feel होता है work करते हुए. 3 sets, 12 to 15 reps. एक final set बचा है. Sorry, आज मैं ज़्यादा record नहीं कर पाया. मेरा phone 3% battery पे है. I forgot to charge it. एक final set करते हैं, इस पर drop set करेंगे and then घर जाते हैं क्योंकि हमको college के लिए भी late हो गया. तो let's go. घर के बाहर अपना भाई बैठा है। किधर देख रहे हैं? देख रहे हैं। मैंने तो चश्मा पहना है, तेरा कुछ भी नहीं रहा है। जस्ट फुटबॉल खेल के वापस आया। आई एम प्रीटी श्योर मैंने अपने एक पैर में इंजरी कर रखी है बट ज़्यादा सीरियस नहीं है, मतलब वो थोड़ा छिल विल गया सब कुछ नीज के आसपास, बट इट्स ओके, आई प्रॉब्ली शुड हैव, मतलब स्लाइड टैकल नहीं करना चाहिए एस्ट्रो टफ ग्राउंड पे, बट मैं फिर भी हमेशा करता हूँ तो फ़र्क नहीं पड़ता। एनीवेज, अब आई थिंक मैं खाना खाने वाला हूँ एंड कल छुट्टी है, ऐसा अभी मैं थोड़ी देर चिल करूँगा एंड फिर हम थोड़ा गाना गाएंगे, आज हमारी कुछ पढ़ाई नहीं हुई है, तो आई थिंक एक छोटा सा सेशन लगाते हैं पढ़ाई का एंड फिर डिनर करके फिर गाना गाएंगे, बिकॉज अगर पढ़ाई नहीं की तो यार थोड़ा सा इनकम्प्लीट लगता है दिन एंड आई फील बैड अ लिटिल बिट, आई एम गोना बी ऑनेस्ट, थोड़ा तो बुरा लगता है मुझे, तो क्वांट के थोड़े क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एंड दैट्स इट, आज हम सिर्फ एक ही टॉपिक पकड़ेंगे एंड उसके बाद गाने बैठेंगे, तो लेट्स गो। फुटबॉल बैक चेक,
बैक क्रैम्प आ गया, ट्राई करते हैं वापस ओके यू नो व्हाट, बहुत गंदा क्रैम्प आ रहा है, सॉरी। जब से ये चैनल बनाया तब से आई हैव ऑलवेज प्रीच्ड ऑनेस्टी, जो बोला सच बोला है, आज भी सच बोल देता है, कुछ पढ़ाई नहीं हुई, बहुत नींद आ रही है एंड आई वॉन्टेड टू डू समथिंग बट आई न्यू कि मैं अगर पढ़ाई करने बैठता तो नहीं होती अभी, तो फटाफट से आई एम सिंग फॉर अ बिट एंड चिल एंड देन मैं सोने जाने वाला हूँ। तो यार कल छुट्टी है, कल मेकअप कर लेंगे इन सब चीज़ों के लिए, लेट्स गो। ये भी मजाक ही तो है, सालों से सड़कों पे संभल के चले रहा था यूं, गालों के गंडों में तेरे, ना जाने क्यों मैं लड़खड़ा के गिर गया हूँ, मुस्कुराओ अरे ऐसे हंसो मेरी बातों पे, गिरता रहूं तेरी राहों में और इनमें ही खो जाऊंगा, ये भी मजाक ही तो है, कैसे रातों के इरादों में अंधेरा था यूं, आधे से चांद सी हंसी अंधेरी रातों में, अब नूर बन गई क्यों ए चांद, अब चांद नी बन के गिरो जरा, गिरते रहो मेरे आस पास तो तेरा ही हो जाऊंगा, ओके आज के लिए इतना ही क्योंकि मुझे बहुत नींद आ रहा है, ऑनेस्टली आई एम वेरी टायर्ड टुडे, सुबह जल्दी उठ गए थे जैसा कि आपने देखा एंड या इट्स बीन अ लॉन्ग डे, आई एम नॉट गोना लाई। तो हाँ कल मिलते हैं, कल एक्चुअली इवॉल्व बंद है क्योंकि इट्स गोना बी रिपब्लिक डे, तो हम एक दूसरे जिम में जाने वाले ट्रेन करने के लिए, विच इज़ गोइंग टू बी वेरी स्पेशल, थोड़ा सा अलग है, वो ओल्ड स्कूल जिम है एंड वहाँ पर हम जाएंगे हमारे दोस्त नेवजाद के साथ ट्रेन करने क्योंकि उसका कॉन्टैक्ट है वहाँ पर, इसलिए तो या बट इट्स गोना बी फन पुश डे, मज़ा आएगा, सो लेट्स गो, सी यू गाइस टुमारो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।